Hi guys, I am Shivam Gupta. Welcome to Mock Zone MBA preparation. So guys, today's video is going to be very important for those who are planning to appear for NMAT, SNAP or non-CAT exams, because in this video, I am going to discuss about the details of our last batch starting from 25th August. So guys, काफी लोग अपेंग कर रहे थे मेरे पास कि NMAT, SNAP या non-CAT कोई और नया batch start होने वाला है. तो we decided कि एक हम लोग live plus recorded batch start करेंगे scratch से. इसका मतलब क्या है guys कि कोई अगर 25th August के अराउंड सोचता है कि उसको बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट करना है NMAT, SNAP लिए, तो वो कैसे हम लोग साथ प्रिपेयर कर सकता है विद प्रॉपर ओरिएंटेशन, प्रॉपर प्लानिंग के साथ. और गाइस ये एक तरह से लास्ट बैच होगा कंप्लीट कोर्स का, क्योंकि इसके बाद अगर आप स्टार्ट भी करोगे तो भी शायद सारी चीजें कवर करना पॉसिबल मुश्किल हो पाएगा. तो गाइस ये वीडियो को स्टार्टिंग से अंदर देखना, अभी कोई स्टार्ट करता है तो उसका पूरा चांस है टॉप कॉलेजेस में जाने का. चलो गाइस स्टार्ट करते हैं. बाकी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करोगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा, बिकॉज हम लोग के चैनल पे लगातार कंटेंट बेस्ड प्लस मोटिवेशन बेस्ड वीडियो बनते रहते हैं. सो गाइस फैकल्टीज की बात करूं तो पॉइंट्स मैं पढ़ाता हूं, आप सबने यूट्यूब पे वीडियोस देखे होंगे हम लोगों के. एंड फॉर एलआर, बीआरसी एंड जीके वी हैव दिवांशु सर. तो ये डिटेल्स है फैकल्टीज की. अब गाइस बात करते हैं कोर्सेज की. तो गाइस हम लोग के दो मेजर कोर्सेज हैं, एक हम लोग का एनमैट स्नैप कोर्स है और एक हम लोग का नॉन कैट कोर्स है. तो पहले मैं एनमैट स्नैप कोर्स के बारे में डिस्कस करूंगा. तो गाइस एनमैट स्नैप कोर्स में आपको मिलता है लाइव जूम क्लासेस एंड रिकॉर्डिंग्स फॉर क्वांट्स कवरिंग ऑल द कॉन्सेप्ट्स इन डिटेल मैनर. तो गाइस हम लोग का जो स्ट्रेटेजी रहता है प्रिपरेशन का, वो रहता है डेप्थ प्लस विड्थ अप्रोच. हम लोग चाहते हैं कि जब आप एग्जाम में बैठो, क्योंकि जितने भी नॉन कैट एग्जाम है ये काफी स्पीड बेस्ड एग्जाम होते हैं, ये चाहते हैं आपको कि आप सामने बैठो, आपके सामने जो क्वेश्चन आ रहा हो आपका देखा वो क्वेश्चन होना चाहिए. मतलब आपने जितनी ज्यादा वैरायटी देखी होगी आपके लिए उतना अच्छा रहेगा. तो हम लोग ये मेक श्योर करते हैं कि क्लासेस में ही सारे क्वेश्चन टाइप्स एंड वैरायटीज कवर कर लेते हैं, ठीक है. हम चाहते हैं बाहर से कुछ आए ना. नो डाउट हम प्रैक्टिस टॉपिक सब कुछ प्रोवाइड करेंगे, बट हम लोग का मेन फोकस क्या रहता है कि आपको क्लासेस एंड रिकॉर्डिंग से उतनी वैरायटी करा दी जाए कि नॉन कैट एग्जाम सोच ही ना पाए उसके बाहर से, ठीक है. तो क्लासेस 150 प्लस टोटल लाइव जूम प्लस रिकॉर्डिंग्स रहती हैं क्वांट्स की कवरिंग ऑल द कॉन्सेप्ट्स इन डिटेल मैनर आज इन एनमैट स्नैप. तो क्या जैसे ये लाइव प्लस रिकॉर्डेड बैच है, इसका मतलब क्या है कि जो भी क्लासेस हम लोग की पहले हो चुकी है उसकी आपको रिकॉर्डिंग्स मिलेगी, पूरा शेड्यूल मिलेगा कैसे कैसे पढ़ना है. जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लोग की क्वांट्स में अर्थ बैठे नंबर पूरा हो चुका है, एलजेब्रा चल रहा है, ठीक है. तो जो भी क्लासेस हुई है उसका पूरा आपको शेड्यूल दिया जाएगा कैसे आपको रिकॉर्डिंग्स गो थ्रू करनी है. तो ये गाइस देखो टाइम जितना भी कम होता जाए, जब तक आप सारी वैरायटी नहीं करोगे एग्जाम निकलेगा नहीं, ठीक है. तो आप ये नहीं बोल सकते आपके पास टाइम कम है तो आप आधी चीजें छोड़ दोगे, आपको करना सब पड़ेगा. बट आपको पूरी प्लानिंग दी जाएगी कैसे कैसे करना है, ठीक है. कोई अगर अभी भी स्टार्ट करेगा तो हो जाएगा आराम से उसका, ठीक है. तो रिकॉर्डिंग्स प्रॉपर मिलेंगी और जैसे मैंने बोला कि आपको सारी वैरायटी वहीं मिल जाती है तो आपको बाहर से कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. दैट इज मोर देन एनफ. 150 प्लस लाइव जूम क्लासेस एंड रिकॉर्डिंग्स फॉर एलआर, डीआई एंड बीआरसी कवरिंग ऑल द कॉन्सेप्ट्स रिलेवेंट टू एनमैट स्नैप. तो गाइस आपको 150 प्लस लाइव रिकॉर्डिंग्स मिलती है एलआर, डीआई, बीआरसी की. आपको पूरा प्रॉपर शेड्यूल मिलता है कि आपको बीआरसी हम लोग के डैशबोर्ड से कैसे पढ़ना है, डीआई एंड डीएस कैसे पढ़ना है, एलआर कैसे पढ़ना है, ठीक है. तो एक छोटी छोटी चीजों में हम लोग फोकस करते हैं. मतलब हम लोग का जैसे मैंने बोला डेप्थ प्लस विड्थ अप्रोच का मतलब क्या है कि हर चैप्टर में जितनी वैरायटी पॉसिबल है और विड्थ मतलब सारे टॉपिक्स को हम लोग इक्वली फोकस करेंगे. मतलब जितना इंपॉर्टेंट मेरे लिए अर्थमेटिक है उतना ही इंपॉर्टेंट एनोमेट्री है, स्टैटिस्टिक्स है, बायनोमियल थ्योरम है, ऐसा, ठीक है. सेम फॉर एलआर एंड बीएस है वो चीज. 20 प्लस थ्योरी एंड डाउट्स एंड प्रैक्टिस शीट ऑफ क्वांट्स कवरिंग 2000 प्लस क्वेश्चंस विद डिटेल्ड सॉल्यूशंस. प्रैक्टिस शीट आपको मिलेगी, ठीक है. अगर आपके पास टाइम मिलता है तो डेफिनेटली आपको लगा सकते हो. 50 प्लस थ्योरी एंड डाउट्स एंड प्रैक्टिस शीट ऑफ एलआर, डीआई, बीआरसी कवरिंग 3000 क्वेश्चंस विद डिटेल्ड सॉल्यूशंस. वीआरसी में गाइस जैसे आपका दो चीजें होती है, एक वर्बल एबिलिटी कंपोनेंट होता है, एक आपको वोकैब होता है. तो वर्बल एबिलिटी में पूरा लाइव क्लासेस होती है, ग्रामर की प्रैक्टिस शीट वगैरह रहती है, टॉपिक टेस्ट तो रहती है. वोकैबुलरी में आपको पूरा टेस्ट दिए जाते हैं, आपको शेड्यूलिंग दी जाती है पूरी, कैसे आपको वोकैब कवर करनी है, कैसे आपको इडियम्स कवर करना है, क्योंकि वीआरसी प्लेज ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल गाइस. तो आपको वीआरसी में अच्छी बात क्या है ना कि कम टाइम में ज्यादा स्कोर कर सकते हो, तो आपको इन सब चीजों में ही फोकस करना है, ठीक है. गाइस ये सब कंटेंट आपको मिलेगा, स्टूडेंट पोर्टल मिलता है आपको, एक वहां पे सारा कंटेंट होता है. जो भी क्लासेस होती है हम लोग की सब रात को होती है 10 PM पे, क्लासेस हम लोग की 6 डेज वीक होती है 10 PM पे, और जो भी क्लास होंगी सबकी रिकॉर्डिंग आपके डैशबोर्ड में आ जाती है, आप कितनी बार भी उनको देख सकते हो, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है. गाइस प्रैक्टिस क्लासेस का टॉपिक टेस्ट भी काफी इंपॉर्टेंट है. तो गाइस आपको 600 प्लस टॉपिक टेस्ट मिलते हैं क्वांट्स, एलआर, डीआई, बीआरसी के, 150 टॉपिक टेस्ट ईच. और गाइस क्वांट्स के से मेनली आपको शेड्यूल टेस्ट अलग से मिलते हैं. शेड्यूल टेस्ट का मतलब होता है हम चाहते हैं कि जब आप कोई क्लास करते हो, आप कोई चैप्टर करते हो, उसके बाद आपको एक टेस्ट दिया जाता है 15 क्वेश्चंस का विद वीडियो सॉल्यूशन. वो ये चेक करता है कि आपने वाकई क्लासें करी है कि नहीं करी है, ठीक है. तो आपको शेड्यूल टेस्ट से मेनली फोकस करना होता है कौन से केस में.
बाकी LRDIBR से आपको यहां से फोकस करना होगा। गाइस हम लोग के एनमैट से आपके मॉक्स काफी रिलेवेंट है, अभी भी काफी लोगों के रिव्यू आ रहे हैं फ्री मॉक देने के बाद। 12 एनमैट मॉक्स, 15 से मॉक्स आपको मिलते हैं इस कोर्स में, अलग से आपको नहीं लेना है कुछ। क्रिटिकल रीजनिंग प्लेज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल, क्रिटिकल रीजनिंग हम लोगों ने बहुत स्पेशल फोकस किया हुआ है। एनमैट में 50% सिलेबस आपका क्रिटिकल रीजनिंग है एलआर में, तो गाइस उसमें डिटेल में क्लासेस होती हैं, प्लस प्रैक्टिसशीट के साथ साथ आपको 600 क्वेश्चंस का एक टेस्ट इंजन मिलता है CR 600 के नाम से, जहां पे जितने भी पॉसिबल टाइप के टेस्ट पॉसिबल हैं वो सब कुछ आपके कवर हो जाते हैं। तो कंटेंट इज मोर देन सफिशिएंट, एटलीस्ट 300 प्लस क्वेश्चन डिस्कशन होते हैं PYQs के, ठीक है, लाइव होंगे और रिकॉर्डिंग्स आपको मिलेंगी। ये समझ लो गाइस अगर आप एनमैट स्नैप की ही प्रिपरेशन कर रहे हो खाली, स्टिल आपको नॉन कैट के सारे PYQs मतलब सारे पास ईयर क्वेश्चन गो थ्रू करने हैं, चाहे सीमैट हो, चाहे सीईटी हो, चाहे SRCC हो, कोई भी हो, ठीक है। ऐसा नहीं सोचना है आपको कि आप एनमैट स्नैप ले रहे हो तो आप एनमैट स्नैप के ही करोगे, और टाइम मिले तो कैट के भी कर दो। हम इवन कैट के भी 7 साल के PYQs देंगे। 50+ टेलीग्राम प्रैक्टिस सेशंस ऑन ऑल टॉपिक्स फॉर एक्सटेंसिव प्रैक्टिस। जब सिलेबस आपका हो जाएगा, ये सिलेबस अराउंड आपका 20 अक्टूबर तक हो जाएगा मैक्स टू मैक्स, आपका एनमैट इस बार 5 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। उसके बाद प्रैक्टिस सेशन वगैरह होंगे वो सब होगा। कोर्स की वैलिडिटी 31 नवंबर तक है, और GDPI का कोर्स अगर लेते हो साथ में आप तो GDPI का पूरा इंक्लूडेड रहेगा। तो गाइस ये कोर्स काफी डिटेल्ड है एंड एक्सट्रीमली प्रॉमिसिंग है। एग्जाम ना निकलने का सिर्फ एक रीजन है कि जैसे आपको बोला जाएगा वैसे नहीं पढ़ोगे, वरना कोई चांस ही नहीं एग्जाम ना निकले। देखो गाइस मैक्सिमम चीजें ये होती है, सिलेबस तो हर कोई करके जाता है। आप 1 लाख बच्चों से पूछोगे स्नैप के, हर कोई बोलेगा सिलेबस मेरा हो गया। उसने सिलेबस में कितनी वैरायटी करी है, कितने क्वेश्चन टाइप्स देखे हैं, उसने मैटर भी करेगा, ठीक है। मैक्सिमम लोग साथ गलती क्या होती है, काफी लोग नंबर ऑफ आवर्स देते हैं पर तरीका काफी गलत होता है पढ़ने का। वे जस्ट कीप ऑन प्रैक्टिसिंग, और हर क्वेश्चन में डाउट आता है हमको, ये टाइम वेस्ट है। हम लोग क्या करते हैं, हम चाहते हैं कि आपको रेडीमेड वे में इतनी वैरायटी दिखा दी जाए कि जब आप नए क्वेश्चन करो तो आपको हार्डली किसी में डाउट है, और ये होता है स्मार्ट अप्रोच। और काफी लोग ये भी करते हैं गलती, पढ़ते कुछ नहीं खाली मॉक्स लेके बैठ जाते हैं, सिर्फ मॉक्स से कुछ नहीं होगा गाइस, ठीक है। और ये सब चीजें लोगों को बाद में रियलाइज होती है। हर साल हम लोग के पास काफी बच्चे आते हैं जो रिग्रेट करते हैं, ठीक है। तो गैस हम लोग का जो कोर्स है उसका 1000 ऑफ हो गया था इंडिपेंडेंस डे के टाइम पे। तो गैस अब हम लोग का एनमैट स्नैप कोर्स GDPI के साथ, जो पहले 7500 का था वो 6500 हो गया है, और विदाउट GDPI आपका 5500 हो गया है, ठीक है। अगर आपको सिर्फ एनमैट या सिर्फ स्नैप चाहिए तो आप मुझे पिंग कर सकते हो व्हाट्सएप पे, पर गैस अगर वाकई सीरियस हो एनमैट स्नैप लिए तो ये आपके पास एक तरह से लास्ट अपॉर्चुनिटी है, ये एक डिटेल्ड कोर्स, ठीक है। और अभी बिल्कुल टाइम है गाइस, मेरे अकॉर्डिंग 2.5 से 3 महीने इज मोर देन एनफ टू क्रैक एनमैट स्नैप एंड नॉनकेट एग्जाम्स। अगर आपको 3 महीने ज्यादा लग रहा है तो कहीं ना कहीं कंटेंट स्ट्रक्चर नहीं है या पढ़ नहीं रहे। गाइस नॉनकेट कोर्स हम लोग का फ्लैगशिप कोर्स है, वो ये बहुत इकोनॉमिकल है। नॉनकेट और एनमैट स्नैप में सिंपल से डिफरेंस क्या है, नॉनकेट मतलब ही होता है सारे नॉनकेट एग्जाम्स। तो ये एक ऐसा कोर्स है कि अभी से लेकर अगले साल में तक जितने भी नॉनकेट एग्जाम्स होते हैं, एनमैट स्नैप, सीमैट, सीईटी, सीवीटी, SRCC, जेड, सारे एग्जाम्स, उन सारे एग्जाम्स की टेस्ट सीरीज, उन सारे एग्जाम्स का GDPI प्लस हार्ड कॉपी बुक सब कुछ आपको मिलेगा इसमें। आपको बाहर से कहीं से कुछ लेना नहीं है, बस अभी से लेकर कॉलेज जाने तक जो भी आपको चाहिए सब यहाँ मिलेगा। और इसकी प्राइसिंग GK इनोवेशन सब कुछ कवर्ड है इसमें, और इसकी प्राइसिंग हमने बहुत ही इकोनॉमिकल रखी है। इवन अभी 1000 का ऑफ भी दे दिया है, जो पहले 11000 का कोर्स था वो अब 10000 का हो गया GDPI के साथ, विदाउट GDPI 9000 का हो गया। और GDPI प्लेस ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल, हम लोग अलग से GDPI कोई कोर्स नहीं होता बाद में। और हम लोगों ने लास्ट ईयर कम से कम 200 मॉक PI कराए थे, और अभी JBI में MHRD MSc फाइनेंस के लगातार 6 से 8 मॉक PI चल रहे हैं, मोर देन 150 मॉक PI हम लोग कंडक्ट करा चुके होंगे अब तक, ठीक है। तो GDPI खाली बोलने के लिए नहीं है गैस, वाकई GDPI है। और जब आपके पास SIBM की कॉल होगी पुणे की, तो उस टाइम पे आपको 5000 का GDPI कोर्स मिलेगा, तो भी आप लोगे, ठीक है। तो बेटर है GDPI वाला, बेस्ट है। तो गैस ये आप देख सकते हो इसमें आपको सब कुछ कवर्ड है जीरो से। तो गैस एक प्रॉपर स्ट्रक्चर में प्रिपरेशन करो, ठीक है, और एक बार अच्छे कॉलेज में चले जाओगे गाइस तो डेफिनेटली चीजें बदल जाएंगी, क्योंकि टॉप कॉलेज का डेफिनेटली ब्रांड होता है। आपके जंप्स जो होते हैं वो काफी लीप्स में होते हैं। अगर आपको एक बार 15 लाख वाला कॉलेज मिल गया तो जंप आपके अलग लेवल पे होंगे, क्योंकि मैंने खुद एक्सपीरियंस किया अपने फ्रेंड्स को NMIS मुंबई में। आज की डेट में 4 साल में जितने लोग भी हैं सब लोग क्लोज टू 40 लाख अर्न कर रहे हैं, ठीक है। तो ब्रांड मैटर करता है गाइस, ठीक है। बाकी गाइस आप कोई भी एग्जाम उठा के देख लो, ठीक है, हम लोग बस डेली बेसिस पे 2 से 3 रिव्यूज आते हैं। उसका रीजन क्या है गाइस, सबसे इंपॉर्टेंट रीजन, दो रीजंस मेनली हैं। सबसे इंपॉर्टेंट रीजन क्या है, कंटेंट हम लोग का डिटेल्ड है, क्यूरेटेड है, टू द पॉइंट है, ठीक है। और दूसरा रीजन है गाइस, प्रॉपर मेंटरशिप आपको मिलती है, डायरेक्टली मैं स्टूडेंट से बात करता हूँ, ठीक है। तो इस तरह के रिव्यूज काफी आते हैं। बाकी मैं आपको लेटेस्ट रिव्यू दिखाऊंगा, अभी काफी डिटेल्ड रिव्यू। तो
गाइस काफी लोग बोलते हैं कैट कर लो कि नॉन कैट हो जाएगा, जो मिसलीडिंग है। कैट में सिर्फ कौन हेल्प करेगा आपको नॉन कैट में, एलआर एंड बीए टोटली अलग होता है गाइस, तो आपको अलग से करना पड़ेगा, और कैट में पूरा भरोसा नहीं कर सकते आप। बाकी गाइस ये समरी है कंप्लीट नॉन कैट कोर्स की, ये सारे अलग अलग कोर्सेज का प्राइस अगर ऐड करो काफी हो जाएगा, बट सब कुछ आपको नॉन कैट में मिल रहा है। बाकी गाइस कुछ ये हार्ड वर्क फॉर वंस ब्रांडेड फॉर लाइफ, एक बार काम कर लो गाइस पूरी लाइफ आपकी सॉर्ट होने वाली है, क्योंकि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग प्लस सैलरी ग्रोथ अलग लेवल का होता है। बाकी गाइस ये लेटेस्ट रिव्यू मेरे पास आया है, और ये काफी बड़ा रिव्यू है, मतलब एक ही स्टूडेंट का रिव्यू है कंटिन्यूएशन में, इसको जरूर से आप पॉज करके पढ़ना, आपको अपने आप आइडिया लग जाएगा। और ये सारे रिव्यू मेरा बहुत आता है, बट ये क्योंकि काफी डिटेल रिव्यू एक ही स्टूडेंट का था, तो मैंने यहाँ पे इसको पोस्ट किया, ठीक है? तो वो चीज़ है। बाकी का इस तरह के रिव्यूज आते ही रहते हैं। कॉपी पेस्ट क्वेश्चंस एंड कॉन्सेप्ट फ्रॉम द लाइव क्लासेस, तो गाइस ये पॉसिबल इसलिए है, इसके रीजंस क्या है कि हम लोग सब कुछ क्लास में कराते हैं, और दूसरा रीजन नॉन कैट नया क्वेश्चन बना नहीं पाता है, ठीक है? क्योंकि नॉन कैट में कई बार तो क्वेश्चन बिल्कुल सेम आ जाते हैं, आंसर याद होते हैं लोग, ठीक है? वो चीज है। और नॉन कैट ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा, कैट ये क्वेश्चन कॉपी कर लेगा बस, वो चीज है। और हम आपको 7 साल के कैट की BYQ भी देंगे, जो हम लोग यूट्यूब में सीरीज चली रही है, ठीक है? तो आपको टाइम बढ़ाना है। और गाइस अभी अगर सीरियस नहीं हो, तो अगर मैं बोलूँ जो जॉब नहीं कर रहे हैं उनको कम से कम 9 घंटे पर डे देना चाहिए प्रिपरेशन में एफिशिएंसी के साथ, जॉब जो कर रहे हैं उनको 3 घंटे देना चाहिए, वीकेंड्स में आपको 9 9 घंटे देना चाहिए, ठीक है? तो नंबर ऑफ आवर्स मैटर करता है, बट मैटर ये करता है कंटेंट क्या यूज कर रहे हो, ठीक है? 259 इन एनमैट, इसका भी काफी डिटेल रिव्यू था, पॉज करके पढ़ना, दूसरों के एक्सपीरियंस काम आएंगे। 99.87 इन स्नैप, ये गलती काफी लोग करते हैं, मॉक दे रहा था अच्छा स्कोर नहीं आ रहा था, उसके बाद मॉक छोड़ दिया, ठीक है? आपने बोला कंसेप्ट क्लियर करो, वही बात है ना, लोग मॉक में मॉक देते रहते हैं और वेट करते हैं कभी मेरा 40 आ जाए, 15 में से एक बार 40 आ भी गया स्नैप में तो फायदा नहीं उसका ना, और इजी सी मॉक दे के मिसलीडिंग हो रहा है बस, वो आपको खुशी अंदर से हो रही एग्जाम में नहीं होगा, तो अपने आपको बर्स्ट केस में रहो, क्योंकि हर साल कॉम्पिटिशन बढ़ेगा, और पॉसिबिलिटी ये है कि अगले साल का एक बार इस साल एक बार और डफा सकता है, क्योंकि कॉम्पिटिशन काफी बढ़ रहा है, ठीक है? 99.94 इन स्नैप मॉक्स के रिव्यू, बहुत सारे रिव्यूज हैं, वी हैव मोर देन 1000+ रिव्यू नाउ, मुझे व्हाट्सएप करना और डिटेल्स दीजिए, ठीक है? ये हम लोग के कैट के रिव्यूज हैं। तो गाइस एक स्ट्रक्चर प्रिपरेशन करो तो अच्छा है, ठीक है? प्रॉपर स्ट्रक्चर में करोगे तो अच्छा रहेगा। बाकी गाइस कोई डाउट्स आते हैं व्हाट्सएप कर देना। बाकी 5 पैरामीटर्स इंपॉर्टेंट होते हैं, अर्ली स्टार्ट सही टाइम पे स्टार्ट करो, जो अभी बिल्कुल परफेक्ट टाइम है नॉन कैट के लिए, प्रॉपर मेंटरशिप आपको मिल जाएगी, कंटेंट डिटेल्ड है, सेल्फ स्टडी आपको करनी पड़ेगी, देखो मोटिवेशन आना पड़ेगा, मॉक्स आपको प्रॉपर मिलेंगे, ठीक है? ये 5 पैरामीटर होते हैं, बाय मॉक जोन, डेडिकेटेड फैकल्टी फॉर ईच सेक्शन, डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग, प्रॉपर मेंटरशिप, क्यूरेटेड एंड रेलिवेंट कंटेंट, क्लोजेस्ट एंड रेलिवेंट मॉक्स एज पर नॉन कैट पैटर्न, बैच साइज हम लोग का मैक्सिमम 50 का होता है। बाकी का ये नंबर यहाँ पे आप व्हाट्सएप कर सकते हो, एंड मॉक जोन .in में जाओगे तो आपको सारी डिटेल्स कोर्स की मिल जाएंगी, ठीक है? ऑल द बेस्ट, बाय बाय।